मंजिल तो राहे ढूंढ लेती है और ढूंढ लेंगी भाई। रजित खा रहे तू? खाते खाता हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, दिस इज मी रवि कुमार, यू आर वाचिंग ऑन लाइव बेबी, इट्स अ न्यू डे न्यू लाइफ एंड एवरीथिंग इज न्यू। और हम हैं भाई साहब शिमला में, शिमला में हमारे साथ हमारे लौंडे हैं, ये रहा चंदन सा बदन जिसका नाम हमने रखा है नागपाल, और ये हमारा भाई है हर्षित। कैसा लग रहा है भाई? मजा आ रहा है, ठंड पैराग्लाइडिंग आज जाने वाले पैराग्लाइडिंग पे, प्रोबेबली हम करेंगे पैराग्लाइडिंग यहाँ पे, नहीं तो हम करेंगे कुल्लू में, देखते हैं जहाँ सबसे सही होती है भाई। लेकिन बर्फ में नहाने का प्रोग्राम तो यही था भाई, यही नहाएंगे। रेस्टी आप बने रहिए यार, बहुत दिन बाद अब ये वीडियो स्टार्ट हो रही है मेरे चैनल पे, फिर से रिवाइव होने वाला है चैनल। अब इन वादियों के साथ अगर वीडियो ना बना तो कितनी गुस्ताखी होगी बताओ, और इस गुस्ताखी का जिम्मा मैं अपने सर नहीं लेना चाहता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं नहा के निकलता हूँ भाई, वेदर का टेम्परेचर मेरे को पता नहीं कितना है बट ठंड बहुत है, नहा के मिलता हूँ। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है, मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ अभी, और हम जाने वाले थे अभी साइड सीन के लिए मनाली में, बट वी आर लेट, एक दो टेम्पो ट्रैवलर थी, एक तो निकल गई और ये सिंगल वाले हमारे ही टेम्पो ट्रैवलर रह गई। अब इन लॉन्डो को मैं समझाने आया हूँ कि भाई देखो 3 बजे तक का समय है, अगर 3 बजे तक हम नहीं गए तो हमको अपने अपने पैसों पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये हिडिंबा टेम्पल के लिए हम चढ़े जा रहे हैं, हम खुद भी नाप सकते हैं कितने बड़े हैं, देखो कितने ऊंचे हैं यार, इतने सारे जिले हम चढ़ चढ़ के ऊपर आ गए, खुद नहीं पता कहाँ तक हमें और जाना है अभी, अभी तो मंजिल बाकी है, जाते जा रहे हैं, मंजिल तो राह ढूंढ लेती है और ढूंढ लेंगी भाई, ढूंढ लेंगी। हाँ बस ये वही होता है जब देसी लौंडा देसी हम लोग बहुत शरीफ है, हम लोग शरीफ है, नवीन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। गाइस हाउ इज द जोश? नो सर अभी तो और ज्यादा बनाना बाकी है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? किसी को नहीं आता, सबसे ज्यादा इस लौंडी का कट रहा है, बोलता है मैं डेली पार्ट बोलो। पूरे ग्रुप के साथ मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हाँ, और इसने हम सबको पूरे रास्ते में काफी एंजॉय कराया, क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेकर के साथ आप लोग हो, जहाँ तब वो होता है ना, भाई ने केदारनाथ का ट्रैक किया तो अच्छे से एक्सपीरियंस है, हम लोग को सिखा रहा है धीरे धीरे कैसे चलने का, बस धीरे धीरे मंजिल की ओर कैसे बढ़ते हैं। चलो हिडिंबा टेम्पल दर्शन कराते हैं, चमक रहा है भाई। सिराजित खा रहे तू? खाते खाता है केसर खा रहा है, सब खा रहा है, सब खा रहा है, दिन में दो दो बार, एक बार सोने के बाद, एक बार उठने से पहले, उठने से पहले, तभी लौंडा हमारा इतना चौंक रहा है, तभी लौंडा हमारा इतना चौंक रहा है भाई। उनको भी दिखाओ, भी खाते खाते हो मजा भाई, मम्मू मम्मी जरूरत नहीं है, तभी तो हम ले नहीं रहे, तेरे पास तो बैग भर गया, चमक नहीं रहा देखो। दोस्तों हिडिंबा देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम आए थे ओल्ड मनाली क्लब हाउस, और लुक एट दिस व्यू गाइस, पहाड़ों से एक अलग ही खुशी मिलती है, और पहाड़ के साथ अगर बर्फ मिल जाए तो और क्या ही बात है इसमें। ये भाई खा रहा है सिद्धू, क्या बोलते हैं सिद्धू हिमाचली डिश, तीन दिन से परेशान कर रहा था भाई, सिद्धू ओ सिद्धू हिमाचली डिश। ये है मनाली, मनाली का मॉल रोड, चारों तरफ मॉल ही मॉल दिख रहे हैं हमको, चारों तरफ है भाई, चारों तरफ है भाई, के कहने के अनुसार बिल्कुल चारों तरफ, थोड़ा ओवर प्राइस्ड है बट पीओवी यही है यहाँ का, आना जरूर है यहाँ पे, आना जरूर है यहाँ पे, आप कुछ ले ना ले, खाना ले ना ले, बस मॉल देखिए यहाँ पे बहुत सारी मॉल्स हैं। सो गाइस हम मॉल रोड से अभी घूम के वापस आ चुके हैं, एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग, अब हम जा रहे हैं बॉनफायर नाइट के लिए, पता नहीं बहुत ठंड है यार बाहर, तो कोहरा ही कोहरा हो रहा है प्रोबेबली, और ये है मनाली रात को, जन्नत इजंट इट, बहुत खूबसूरत है यार। सोया था पहलोई।